नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र नाथ ओझा। बॉम्बे व्यू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुंबई के धोबी तालाब एरिया के किस्से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं और आज इस रोचक किस्से को आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, धोबी तालाब और धोबी घाट, ये दोनों में फर्क है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। जो धोबी घाट आप मुंबई के सिनेमा के पर्दों पर आप जो देखते हैं, वो धोबी घाट है, वो धोबी तालाब नहीं है। वो धोबी घाट महालक्ष्मी में स्थित है और ये धोबी तालाब चरनी रोड और मरीन लाइंस के बीच में स्थित है। अगर आप मरीन लाइंस स्टेशन पर उतरें और मरीन लाइंस ईस्ट से मेट्रो सिनेमा की तरफ से आप जाना शुरू करें, उस एरिया को धोबी तालाब एरिया कहा जाता है। धोबी तालाब एरिया में न तालाब है न धोबी है, कमाल की बात है ना। उसके बाद भी इस जगह का नाम धोबी तालाब क्यों पड़ा, लेकिन बिना वजह कोई नामकरण तो होता नहीं। अब इसकी पड़ताल के लिए हमें 250 साल पहले जाना पड़ेगा, जब बॉम्बे पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। तो 17वीं शताब्दी के आखिर में यहां पर एक तालाब हुआ करता था और धोबी यहां पर कपड़े धोते थे और वो ज्यादातर कपड़े अंग्रेज फौजियों के होते थे। यहाँ दूर फैले मैदान में वो अंग्रेज फौजियों की वर्दियाँ सूखती हुई नजर आती थी, लेकिन जब बॉम्बे का पुनर्निर्माण शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने धोबियों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया और वो शिफ्ट होकर फांसी तालाब के पास चले गए। फांसी तालाब जो आज CST स्टेशन पर कभी हुआ करता था, और इस तालाब को भर दिया गया और भरने के बाद यहाँ पर बहुत सारी आबादी बसने लगी। उसमें सबसे ज़्यादा कोल समाज के लोग थे, जिन्हें पुर्तगालियों ने ज़बरदस्ती ईसाई बना दिया था। लेकिन वो कुछ दिनों बाद वो ईसाई बॉम्बे के ही मझगांव में, भाईखला में, माही में, बंद्रा में शिफ्ट हो गए और इस जगह पर गुजराती और मारवाड़ी आकर बसने लगे। और जिस जगह पर धोबी तालाब स्थित था, आज उस जगह पर फारम जी कावस जी इंस्टीट्यूट खड़ा है। जी हाँ, ये जो इंस्टीट्यूट खड़ा है, इस जगह पर कभी तालाब हुआ करता था और यहीं पर धोबी कपड़े धोया करते थे। हुआ ये कि 100 साल बाद हमारे कावस जी, फारम जी, जो इतने बड़े पारसी व्यवसायी थे, उन्होंने इस लैंड को खरीदा और खरीदने के बाद बहुत दिनों तक उसको खाली रखा। लेकिन इस एरिया में पानी की कमी हो गई। पानी की कमी होने के बाद जब लोगों ने उनसे गुहार लगाई तो फारम जी कावस जी ने उस जगह को फिर से खुदवाया, वहाँ तालाब बनाया, वहाँ स्टीम इंजन से पाइप से पानी भरने की व्यवस्था की और इस एरिया की पानी की समस्या उन्होंने दूर की। और भी लोग यहाँ पर बसने शुरू हो गए थे और ये पूरी एक घनी आबादी बनती गई। 1851 ईस्वी में फारम जी कावस जी की मृत्यु हो जाती है और उनके चाहने वाले, क्योंकि वो इतने बड़े व्यवसायी थे, इतने बड़े उदार हृदय थे, इतने उन्होंने बॉम्बे को इतने दान दिया था, बहुत सारी चीज़ें उनकी, चाहे बॉम्बे में रेलवे की शुरुआत हो, उसमें भी फारम जी कावस जी का योगदान था, तो उनकी स्मृति में कुछ चीज़ बनाने की बात हुई। उनके दोस्तों ने ये फैसला किया कि उनकी स्मृति में एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए और उस इंस्टीट्यूट में जो चीज़ें बननी थी वो लोगों ने यहाँ पर इस तालाब की जगह को चुना और उसको भर दिया और भरने के बाद यहाँ फारम जी कावस जी इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हुआ, जो 1862 ईस्वी में ये बन के तैयार हो गया। और उसके बाद से इस एरिया का नाम तो धोबी तालाब ही रहा, लेकिन ये जगह किसी और चीज़ों में तब्दील हो गया। हुआ ये जब हिंदुस्तान में 1896 ईस्वी में फ्रांस से लुमियर ब्रदर्स ने अपनी सिनेमा का प्रदर्शन बॉम्बे में किया, उस समय बहुत सारे नाटक थिएटर को सिनेमा थिएटर में तब्दील किया जाने लगा और कावस जी इंस्टीट्यूट में भी सिनेमा का प्रदर्शन होने लगा। लोग लाइन लगाकर यहां पर सिनेमा देखने लगे। '97 से 1903 ईस्वी तक यहां पर फिल्मों का प्रदर्शन जारी रहा और उस बहुत सारी विदेशी फिल्में, साइलेंट फिल्में दिखाई गई और आज जो है ये एरिया कालबा देवी के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, तो कैसा लगा ये आपको मेरा किस्सा, जहाँ पर ना धोबी है ना तालाब है, इन उस एरिया का नाम धोबी तालाब है। और उस जगह पर जिसे जो कभी तालाब हुआ करता था उसको ढका गया, उसके बाद फिर उसे खोदा गया, और फिर खोदने के बाद फिर उसे ढका गया, और उसके बाद वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही मैं हर बार अपने नए वीडियो के साथ एक नया रोचक किस्सा लेकर आपके सामने आऊँगा। अब धन्यवाद और नमस्कार।